हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिभाज रियल ब्लॉग। तो आशा करते हैं आप सब ठीक हो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ और ये मेरा कश्मीर का घर नहीं है, क्वार्टर में रहती हूँ। तो ये क्वार्टर में कुछ काम कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इधर तो अब कश्मीर में गर्मी आ गए, थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी नहीं आए पर ठंडी उतना नहीं है, इसलिए हम जब कारपेट नीचे बिछाए थे तो अभी उसको उठा दिया क्योंकि अभी गर्म हो गए, गर्म थोड़ा लगता है। अभी मुझे लगता है अभी कारपेट को उठा देना सही रहेगा, नहीं तो बहुत नीचे गंदगी होते है, उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग कारपेट को उठा के ऊपर सब कुछ झाड़ू पोछा लगा के ऊपर कर दिया। और घर का भी थोड़ा सा साफ सफाई चल रहा है आज का, जैसे कि कारपेट उठा लिया और बेड के नीचे भी हमारा कारपेट का हिस्सा था, तो इसीलिए बहुत ही दिक्कत होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होता है धूल को और डस्ट को बाहर निकलना। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया उसको हटा देती है, अभी जब ठंड आ जाएगा फिर से तब उसको हम यूज़ करेंगे। तो देखो फ्रेंड, ये इस रूम में हम लोग रहते हैं, पूरा टाइम ही हम इस रूम में स्पेंड करते हैं, खाना खाना, सोना, टीवी देखना, सब कुछ इस रूम में होता है। बाकी और एक दूसरा रूम है, उस रूम इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, बस ईशानी पढ़ाई करती है उस टाइम ही उस रूम में रहती है। और ये है मेरा जो बेड पे सोती है उसका बेडशीट है, इसको हम कल धो लेंगे सब। ये एक बाल्टी में रख दिया और रख के बाथरूम के आगे कर दिया, इसको कल धोना है, आज बिल्कुल टाइम नहीं है। हम दो पैर से ये काम चालू किया, सुबह से नहा के फिर दो पैर का खाना खा के थोड़ा रेस्ट करके ये कर रही हूँ। और ये इसके पापा खेती के काम लग गए और मैं लग गई ये झाड़ू लगाने के लिए। और पहले भी एक बार मैंने झाड़ू लगा दिया, बेड के नीचे से बहुत धूल था, बहुत डस्ट था, इसको हम बाहर कर दिया और फिर भी देखो बहुत डस्ट, मतलब दिखेगा आप लोगों का कि बहुत डस्ट है इधर। तो इसको अच्छे से डस्टिंग करके फिर मैं पोछा लगा के मतलब साफ कर दूंगी इस रूम। और देखते हैं आगे जाके क्या करते हैं, दूसरा जो एक रूम है उस रूम मैं लगता है नहीं कर पाऊँगी। तो ठीक है चलो, ये रूम का मैं थोड़ा सा डस्टिंग अच्छे से कर लेती हूँ फिर इसको पोछा लगाती हूँ। बहुत डस्ट निकला सच में, इतना धूल जम गए थे नीचे, बेड का नीचे बहुत धूल था। और ये रूम ज़्यादा इस्तेमाल होते यूज़ करते इसीलिए इस रूम में ज़्यादा गंदगी हो गए, मतलब बाहर से दिखने में पता नहीं चलता है इतना गंदगी इसमें है। और नीचे मतलब कारपेट के नीचे बहुत ही डस्ट था क्योंकि हमने कारपेट बिछाए थे और उसके एक दिन बाद ही होली था, तो होली में हम होली ईशानी था हम लोग थे, तो हम लोग थोड़ा सा होली खेले थे। और होली का देखो ग्रीन कलर का होली इधर आ गए डस्ट के साथ, तो उसके पापा बोल रहे थे ये धूल है कारपेट का, ग्रीन कलर कारपेट है इसलिए। तो मैंने बाद में देखा नहीं, मतलब सोचा बाद में कि वो होली का ही है, वो जो होली था क्या रंगोली वही इधर है, तो मैंने मना करते थे पहले ऐसे मत करो, फिर वो लोग ऐसे होली रंगोली लगा घर में पूरा फेंक दिया, इसलिए ये हालत हो गए। और भी ये जो बड़ा बड़ा जो प्लास्टिक कागज है इसको मैं अलग करके उसको फेंक दूंगी। और ये जो धूल डस्टिंग है इसको देखो, उसके पापा फिर भी कितना लकीरा लेके आ गए खेती बनाने के लिए, बहुत सारे ले आए क्योंकि हमारा वो जो कद्दू की पेड़ है ना वो बढ़ गए, दो तीन बढ़ रहा है, इसलिए उसको थोड़ा सा उसको सेल्टर देना है ना, इसलिए नहीं तो इधर उधर भाग के चली जा रही है वो जो लौकी है ना, लौकी की पेड़, तो इसलिए मैं दूसरा रूम में देखो आ गए। अब देख ही सकते हो पूरा दो बेड है, तो बेड का पूरा जो था बेड के ऊपर जो लगाते भूल गए चाहे, तो उसको हम हटा लिया, इसलिए पूरा घर पूरा रूम बिखर गए, इधर उधर हो गए, तो इसीलिए ये थोड़ा होना ही था। तो ये नीचे से साफ करके फिर मैं ऊपर में आ जाऊंगी, फिर मैं बेड की मतलब बेड ठीक करूंगी, उसके बाद धीरे धीरे मेरा दो दिन लग जाएगा, मेरा इतना जल्दी जल्दी मैं काम नहीं कर सकती, मेरे थोड़ा प्रॉब्लम है घुटने में। और इधर देखो ईशानी बाहर खेल रही थी और गिर गई, पता नहीं कैसे गिर गई रास्ते इधर पूरा पीच का रास्ता है तो कट गई इसका देखो, तो मैं इसको दवाई और डेटॉल लगा दिया,
ये कल भी ऐसे गिर के आ गई और आज भी रोज रोज ऐसे करते। मैंने देखो लार दवाई लगा रही है और कैसे कर रही है, उसको दर्द हो रहा है। मैं थोड़ा धीरे धीरे कर रही थी पर उसको दर्द हो रहा है। तो चलो ये मैं बेड ठीक कर रही हूँ, मेरा जो जिस रूम में रहना है उस रूम का बेड मैं ठीक कर लेती हूँ क्योंकि शनि आ गए, उसको थोड़ा बैठना है और मैं उसको बाहर नहीं जाने दूंगी क्योंकि गिर गए और पता नहीं क्या क्या हो जाए। तो उसका सच में मेरा ये काम करने में 2 दिन तो लग ही जाएगा, ये काम रहेगा। अकेले मैं कितना कर पाऊँगी, 2 रूम ठीक करना, फिर खाना बनाना, बच्चे है, बच्चे को देखना, टाइम टू टाइम ड्यूटी जाना, मुझसे नहीं होता है इतना काम। पता नहीं जिनका होता है तो होता है, मेरा तो नहीं होता है। मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है घुटने में, इसलिए थोड़ा मुझे धीरे धीरे काम करना पड़ता है। तो आप लोग देख ही सकते हो मैं कितना धीरे धीरे काम करती हूँ। ऐसे मैं ये बिस्तर ठीक करके इसको सारे सब फोल्ड कर लेती हूँ, फोल्ड करके ईशानी को इधर मैं बैठा दूँगी क्योंकि बाहर जाना अभी उसका ठीक नहीं है। अभी थोड़ा शाम होने के मतलब बाकी रह गए इस टाइम और बाहर नहीं जाने दूँगी। तो देखो मेरा बेड रेडी हो गए। मेरा बहुत टाइम लगता है बेड ठीक करने में क्योंकि मेरा 2 है और इधर ये सब पड़ा है, इसको अभी थोड़ा टाइम बाद ठीक कर लेती हूँ। और मैं आ गई पोछा लगाने के लिए, तो मैं थोड़ा सा डेटॉल लगा दिया। मैं डेटॉल ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरे पास डेटॉल पड़ा है। मैं बहुत डेटॉल लेके आई थी इसलिए फिनाइल नहीं लेके आई, इतना डेटॉल लेके आई ना तो इसलिए मैं डेटॉल से यूज़ करती हूँ, नहीं तो डेटॉल भी डेट निकल जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। इसीलिए अभी डेटॉल ख़त्म हो जाएगा फिर मैं फिनाइल लूँगी। फिनाइल और डेटॉल तो मुझे लगता है एक ही है, डेटॉल ही अच्छा लगता है। तो मैं अच्छे से बेड के नीचे नीचे से पोछा लगा रही हूँ। बहुत अच्छा हुआ कि कारपेट को उठा दिया, इधर सारे लोग बहुत पहले कारपेट उठा दिया। जब मैं कारपेट लगाई उसी टाइम वो लोग उसी मंथ सब लोग इधर कारपेट को उठा दिया। मैं तो कब से बोल रही हूँ कारपेट को उठा दो क्योंकि झाड़ू देना पोछा लगाना बहुत ही आसान हो जाते, घर भी ठीक ठाक रहते। मेरा घर जैसा ही भी हो ना, गंदगी हो तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा साफ सफाई रहते तो अच्छा लगता है। मैं जितना कर पाती हूँ उतना ही करती हूँ, ज़्यादा तो नहीं कर सकती। मैं धीरे धीरे करती हूँ फिर भी थोड़ा साफ रखने का कोशिश करती हूँ क्योंकि गंदगी होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले तो बहुत ही मैं पोछा लगाती थी, 2-3 बार पोछा तो लगाती थी, अब तो मेरा बहुत प्रॉब्लम आ गए, पेट का हड्डियों का बहुत प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैं थोड़ा सा काम कम कर दिया। रोज कपड़े धोते थे, अभी तो एक दिन कपड़े धोती हूँ क्योंकि मुझसे इतना नहीं होता है, अभी बहुत मेरा उम्र हो गई है इसलिए। तो चलो ईशानी को इधर मैं बैठा दिया और इधर वो खेलेगी और थोड़ा सा कार्टून जो देखना चाहती है देख लेगा। अभी मैं आ गई किचन में, किचन भी साफ करके मैंने पोछा लगा रही हूँ। किचन और जो सामने का हिस्सा है जो बोलते हैं डाइनिंग रूम, तो थोड़ा सा हिस्सा है डाइनिंग रूम का, दोनों घर रूम की सामने थोड़ा सा स्पेस है मेरा, तो उधर मैं रोज ही पोछा लगाती हूँ और किचन में भी रोज ही पोछा लगाती हूँ। और दोनों घर में पोछा लगाने से अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम साफ साफ लग रहा है, नहीं तो एकदम कैसे लगता था, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है।
सच में काम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, फिर भी अच्छा लगता है। काम करने के बाद जब आती हूँ ना घर रूम में, फिर देखने में अच्छा लगता है। मैंने पानी चेंज कर लिया, दो बार पानी पहले चेंज कर लिया और ये तीसरा बार मैंने पानी चेंज करके फिर मैं आ जाऊँगी। तो मैं अभी दूसरे रूम का भी पोछा लगा दिया और मेरा पोछा लगाने का चलो लगभग हो गए। पूरा घर का साफ सफाई करके नहा के मैं पूजा कर दिया और अभी देखो शाम हो गए, 6:30 बज गए और मैं आ गई किचन में। पूरा दिन इतना काम करने के बाद, साफ सफाई घर का करने के बाद अभी खाना बनाना है, थोड़ा रेस्ट भी नहीं मिलता है। थोड़े देर पहले उसके पापा गए थे बाजार, उधर से ले आए चिकन, तो अभी चिकन बनाना है तो इसके लिए मैं मसाला बना रही हूँ। मैं बहुत थक गए थे इसलिए मैं रूम में आ गए और नीचे आराम से बैठ के पंखा चला के मसाला को तैयार कर रही हूँ। तो मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दिया और ये देखो चिकन और ये आलू को फ्राई कर लिया और प्याज को भी फ्राई कर लिया। आज मैं बनाऊंगी बिरयानी तो इसीलिए अलग से प्याज को फ्राई करके रख दिया। और ये चावल है जो बिरयानी बनाते हैं वो वाला चावल, इसके पहले नॉर्मल वाला चावल मैंने यानी कि पापा के लिए बना लिया था। ये एकदम पानी छिड़क है, नॉर्मल वाला चावल है। और ये चिकन अभी बन रहा है, अभी तक नहीं बना हुआ है, चिकन बन जाएगा फिर बिरयानी बनाऊंगी, फिर हम लोग खाना खा लूँगी। तो मैं अभी बाहर मतलब डाइनिंग एरिया में मैं खाना बना रही हूँ और ये देखो मेरा चिकन तो बन गए और आप देखो मेरा बिरयानी तैयार हो गए। ये मैं थोड़ा सा टाइम जैसे बनाते हैं बिरयानी वैसे ही बनाई और ये थोड़ा सा ओवन में रख दिया था और अभी मैं इसको नीचे करके आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसे सुंदर और खिला खिला सा बना है मेरा बिरयानी। एकदम जैसे घर में तैयार होते वैसे ही हुआ है। थोड़ा सा मसाला मैं इसमें डालती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो अभी हम लोग ये तीनों मिलके खा लूँगी, बहुत भूख लग गए थे। दोपहर से बहुत काम किया और बहुत थक भी गए और भूख भी बहुत लग गए, तो अभी हम लोग खा लेंगे। अभी तो बिरयानी खाने का मज़ा ही कुछ अलग हो जाएगा क्योंकि बहुत भूख लग गए थे। अभी मस्त में मज़े करके हम खाएंगे बिरयानी। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही है, आप लोग अच्छे रहे, खुश रहे। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।